भगवान को खुश करने के लिए हम बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग तक लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर हमेशा ही बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की कृपा आप पर विशेष तौर पर है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। दोस्तों, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय सा आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से ही मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह होता है कि उन पर देवीय शक्तियों का तो आशीर्वाद है ही, साथ ही हमेशा जो है ना प्रभु उनके साथ हर कदम पर चल रहे हैं। जिन लोगों पर भी भगवान की विशेष कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की कृपा की ही निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानी से बचा लेते हैं। जिन भी व्यक्तियों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में वैसे व्यक्ति खुश होते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने भी दुख क्यों ना हो, वो हमेशा खुश रहते हैं, सुखी महसूस अपने आप को करते हैं, संतुष्ट महसूस करते हैं। उन्हें कभी भी किसी बात का डर नहीं होता है, किसी बात की परेशानी नहीं होती है और हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसे लोग हमें आते जाते मिल जाते हैं जिन्हें देख कर हम सोच में पड़ जाते हैं, इसके पास तो कुछ भी नहीं है पर फिर भी ये इतना ज्यादा खुश कैसे है, सुखी कैसे है, संतुष्ट कैसे है। तब आप एक बार इस वीडियो को जरूर ध्यान कीजिएगा। इसका मतलब है कि साक्षात प्रभु जी का आशीर्वाद उनके साथ बना हुआ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।